Hey guys, what's up? Hope you all are doing great. So हमारा वीकेंड अब हो चुका है स्टार्ट, तो वी थॉट कि एक्चुअली काफ़ी वीकेंड हो गए हम कहीं भी नहीं गए, चॉकलेट तो लगी, तो काफ़ी टाइम हो गया हम कहीं गए नहीं है घूमने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम वीडियो भी अभी जो लास्ट वीडियो है काफ़ी लेट बनाई है। रीज़न बीइंग आई वाज नॉट वेल, इस बार थोड़ी लंबी बीमारी चली थी हमारी, तो इट लास्ट फॉर 3 वीक्स। तो अब आफ्टर 4 वीक्स हम घूमने जा रहे हैं, तो इसको देखने कहाँ चलते हैं। अभी सच हमने कोई प्लान नहीं किया है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस कैसे जाना है, बट अभी निकल गए हैं इतना पता है। और साथ में तो सड़ी सी हेलो सड़ी रहते हैं। चलो चलते हैं गाइस घूमने। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर, अपनी मंजिल बस घूमने। तो जस्ट बिकॉज इट्स वीकेंड, तो यू कैन सी काफी क्राउड है। हाँ अपना म्यूजिक चल रहा है, सही है, बड़ी घटिया आवाज है। तो जिसको घूमते थोड़ा सा ठंड भी बहुत है, एक ही स्वेटर डाल के आई हूँ, अदरवाइज मैं जब भी घर से निकलना हो फुली पैक होकर निकलती हूँ। बट मेरे मियाँ जी कहाँ छुप जाते हैं, अरे यार वो कहाँ गए, छोटा सा बच्चा खो तो नहीं गया मेरा, भाई मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी। एंड आई कुड नॉट मेक हिम अ कॉल बिकॉज हिज फोन इज विद मी। और भाई इधर है बच्चा छोटा सा, कोई टॉफी लेकर चला तो नहीं गया, लेकर आ गए, शुक्र है। मैं तो डर गई थी कोई लॉलीपॉप या टॉफी का लालच लेकर ले तो नहीं गया साथ में। सॉन्ग सुनो गाइस। तो मैं कह रही थी एक ही स्वेटर डालकर आई हूँ, पैक होकर निकलती हूँ, लेकिन आज ठंड से बैंड बज रही है। एक्चुअली एक मेन रीज़न हमारा आज आने का था बैंक का, थोड़ा बिकॉज इनका अकाउंट सस्पेंडेड हो गया ड्यू टू सम रीजंस। ट्यूसडे को हम गए, दे सेड हम नहीं कर सकते, आपको मेन ब्रांच जाना पड़ेगा, आप एनी टाइम जा सकते हो, ब्ला 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 ब्ला। एक सिर्फ कॉल करनी है उनको कस्टमर केयर में। आई डोंट नो वो बंदा क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुआ था हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑल द डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे थे इनके, स्टिल दे सस्पेंडेड आवर अकाउंट। एज यू कैन सी द मेन थिंग्स दिस पर्सन इज डूइंग दिस वर्क। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेन ब्रांच में जाइए, तो हम मेन ब्रांच में गए, तो उन्होंने भी कहा है जी अगर आपको आना है तो जल्दी आइए, तभी आपका काम हो पाएगा। और जल्दी आना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, इनके बिहाफ पे मैं आ नहीं सकती, तो कसम से यार बड़ा दिमाग खराब कर रहे हैं लोग। अब बात चलेगी नेक्स्ट सैटरडे। सो दिस इज द मेन प्लेस, इसमें इसको कहते हैं बुलरिंग। और हम देख सकते नाम क्यों पड़ा बुलरिंग, उसका मेन जो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता से बताऊं डीपली, बट हमने किसी ने बताया था यार ये बुल यहाँ पर लगा हुआ है तो इसी की वजह से पड़ा गया, बड़े से बुल के कारण। यू कैन सी यार, बुल तो दिखाओ उनको, बड़ा सा बुल, एंग्री लुक जस्ट लाइक माई हबी। तो यहाँ मैं फोटोशूट भी करवाऊंगी बुल के साथ, सही है ना? क्यों सा गुस्से वाला एंग्री लुक। ओ बाबा ठंड, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ। क्या काफी बड़ी मार्केट है ये, हाई एंड ब्रांड्स हैं यहाँ, तो वीकेंड पे यहाँ काफी रश होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पब्स वगैरह सभी टोटली भरे होते हैं। तो अब आ तो गए हैं इस ठंड में, तो ठीक है एंजॉय करते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स गो। यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, ठंड भी काफी है यार। सासू मुर्गी बैठ जाएगी। हाँ तो जैसी इंडियन छोटा सा रेस्टोरेंट है, ट्राई करें, काफी टाइम हो गया स्ट्रीट फूड नहीं खाया, यहाँ गए ट्राई कर लेते हैं। तो सॉरी गाइस, अब हम यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, कैसा है कैसा नहीं, पहले मेन्यू देख लेते हैं। आइए आप भी देखो ऐसा मेन्यू। दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर नो वार हेयर, छोटा सा लिटिल बिट प्रोटेस्ट इन्होंने किया यहाँ पर कि नो वार नो इन्वेजन। यार ऑब्वियसली वार नहीं होनी चाहिए। खैर हमने ऑर्डर दे दिया हुआ है अपना, बट दे सेड कि यहाँ पर तो उन्होंने कहा है कि इट विल टेक 25 मिनट्स। तो फिर हम वहाँ बैठे क्या करेंगे, तब तक हम थोड़ा घूम लेते हैं। करवानी बात करो, मैं तो रेडी शॉपिंग के लिए। नहीं हर चीज़ के लिए तो नहीं रहना चाहिए, बस हर चीज़ के लिए रेडी है यार। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो बेरोजगार हूँ ना। सही है ना हेयर स्टाइल गाइस। क्या यू नो व्हाट, ये जो बिल्डिंग है ना, जब भी मैं अपने यूनी जाती हूँ यार, पहले जाती थी बाय कोच बाय बस, तो कसम से वो जर्नी मेरी होती है 3.5 और 4 आवर्स की कंटिन्यू। क्योंकि मेरी यूनी यहाँ से थोड़ी दूर है, कोई नहीं आपको इसके भी दर्शन कराऊंगी जल्द मैं। तो लिटरली बैंड बजी होती है मेरी, जब जाती हूँ आती हूँ 7 आवर्स और 8 आवर्स की तो मेरी जर्नी ही रहती है एक दिन की, जब भी मुझे यूनी जाना पड़ता है। तो जब भी आते वक्त मैं इस बिल्डिंग को देखती हूँ ना, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि यार अब मैं पहुँचने वाली हूँ, तो थोड़ा चैन आएगा कसम से। यही बिल्डिंग मेरे को तसल्ली देती है जब भी मैं आती हूँ। तो एज यू कैन सी गर्मी भी है थोड़ी सा, थोड़ा यहाँ पर चैन है कि धूप है यहाँ पर, हवा भी बहुत तेज़ होती है कसम से कह रही हूँ। अभी लास्ट वीक कब किस टाइम था, अभी 1-2 हफ्ते हो गए, काफ़ी स्टॉर्म आया था, रेड अलर्ट हुआ था पूरे यूके में। तो कसम से लाइक बुरा था वो, काफ़ी नुकसान भी हुआ कुछ एरिया, स्पेशली लंदन में वहाँ ज़्यादा नुकसान था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, आज भी है पर उस दिन तो बहुत बुरा हाल था। तो अब जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता है हम थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा मैं सोच रही हूँ बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो ओके, तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है, दैट इज़ ग्रिल चिकन टिक्का चाट। हाँ, ग्रिल चिकन चाट, ग्रिल चिकन चाट, इट्स नॉट दही भल्ला। तो नहीं यार, पर मुझे देखने में अच्छा लग रहा है तो टेस्ट करके देखते हैं। उनको कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे ना कैसा है, दिखने में कैसा लग रहा है, टेस्ट में हम बता सकते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है। सो लेट्स टेस्ट कैसा है। अच्छा, हमने दही भल्ला चाट खाई है, पापड़ी चाट खाई है, तो मटीरियल वही चाट का डाला है। वैसे है कि मैं वेरी फर्स्ट टाइम इनफैक्ट ही ऑल्सो ईटिंग दिस चिकन चाट। एज पर टेस्ट इट इज़ गुड। तो अभी हमने सिर्फ एक ही चीज़ ऑर्डर की थी, क्योंकि एज वी हैव टोल्ड यू यहाँ पता नहीं कैसा बनता है कैसा नहीं है, काफ़ी चीज़ों में हमारा एक्सपीरियंस बुरा ही रहा है। तो इसको खाने के बाद आई गुड से हम एक और चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कर ले, देखते हैं। चलो गाइस फिर आगे हम खा लें इसको, फिर आगे का आपसे डिस्कस करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पेट पूजा सो हो गई हमारी। अभी तो ऐसा आई टोल्ड यू कि हमने चाट ऑर्डर करी थी, लेट्स गो। तो दैट वाज एज आई टोल्ड यू ग्रिल चिकन चाट थी टेस्टी, बट चिक पीस कुछ ज़्यादा थे वो भी अच्छे, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा थी। तो हाल फिलहाल मैंने 2 चिकन टिक्का रैप ऑर्डर पैक करवा लिए हैं। सॉरी, पता नहीं ठंड के कारण ना जो जुबान बहुत फिसल रही है अब। तो ये अब हम रास्ते में खाएंगे, बिकॉज निकलना भी है, थोड़े से काम भी है करने हैं जो जाते वक्त हमें। तो अब हम चलते हैं हाँ वापस अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि यहाँ से निकल सके इस क्राउड से। तो यार कसम से हट रही है ठंड से मेरी, इतनी भी फुकरी अच्छी नहीं होती भाई। चलो गाइस चलते हैं वापस। तो हम भी गाड़ी में पहुँचे हैं। सो आई ब्रॉट दिस रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम वापस अपने घर की तरफ। अभी उससे पहले हमने कहीं और भी जाना है, तो क्योंकि अभी हमारा रात का खाना बनना है, तो उसके लिए भी हमें चिकन लेना है। आज मुझे लग रहा है सैटरडे नहीं है, आज हमारा चिकन डे है, तो आज वही चल रहा है हमारा। सो सी यू, बाय, आगे मिलते हैं। वैसे तो हमने घर ही जाना था, ऑलमोस्ट पहुंच भी गए थे, बट मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा यार थोड़ी सी शॉपिंग ही करवा दो, ज़्यादा नहीं, बड़े यार कहते हैं ना इनको फुलियाँ डालनी पड़ी, फिर कहीं जाकर माने हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर शॉपिंग, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी सी यार शॉपिंग करने आए हैं। तो लेट्स सी कुछ पसंद भी आता है कि नहीं। ठंडी यार, यहाँ हवा इतनी तेज क्यों चलती है, मुझे समझ नहीं आ रही। रश यहाँ भी है, वीकेंड पे नॉर्मल होता है इतना रश, वीकडे से ये जगह खाली रहती है। ओ भाई साहब, सिर भी बहुत जोर से फट रहा है मेरा ना, ये इशू है। मैं ज़्यादा ठंड में ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, फीवर हो जाएगा या वॉमिटिंग नॉर्मल। चलो पहुँचते हैं जहाँ से शॉपिंग करनी थी शोरूम से। So I have reached the place. Let's see कुछ अच्छा लगता है कि नहीं। How's this guys? Pretty cool. यहाँ आके ना बंदा कंफ्यूज रहता है क्या ले क्या ना ले। ना ले ज़्यादा रहता है हमारा प्रेफरेंस में। भाई इतना पैसा भी नहीं है, ख़त्म कर दे। चलो देखते हैं कुछ अच्छा लगता है या नहीं, फिर लेट यू नो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये शॉपिंग करने आई थी, तो जो शॉपिंग करने आई थी वो तो हमने शॉपिंग करवाई नहीं, बट हाँ इस चीज़ की ज़रूर शॉपिंग करवाई है। गोरी ये देखना क्या क्या लिया आपने, क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या शॉपिंग की है, शॉपिंग क्या क्या की बताओ ना। कीवी, कैप्सिकम, मशरूम, इन चीज़ों की शॉपिंग ज़रूर करवाई है मैंने। कमाने लगूंगी ना उसे मैं खुद ही कर लूँगी, और लिटरली मुझे चीज़ें पसंद आई थी। हैट पसंद आई थी एक, और क्या क्या पसंद आया था, क्या क्या पसंद आया था? टॉप पसंद आया, शेड्स आई थी, हैट पसंद आई थी, मेरे जितना शौक लेकिन मिला क्या ये मिला। चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब चलते हैं। वेल गाइस, शॉपिंग तो हुई नहीं, जैसे कि मेरे मियाँ जी ने पैसे देने से मना कर दिया मुझे, कहते बहुत महंगा यार, छोड़ कहीं और देखेंगे। और मैं ऐसी हूँ डीड, कहीं और तो देखने नहीं वाली, लूँगी तो सही वही। सो अभी हम आए हैं यहाँ राज बीच शॉप। नॉर्मली हम यहीं से चिक्की लेते हैं बिकॉज इनका बहुत यमी होता है। नॉर्मली हम ये और थाई चिकन ज़रूर लेते हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। सो लेट्स गो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम घर पहुंच चुके हैं। शॉपिंग वगैरह करके इनकी शॉपिंग थी वो फाइनली हमने घर ही ली है। नहीं देखो ना कितना कुछ लिया। ये देखो घर का राशन अपने मतलब का सामान जो कि ये लेते हैं, यूज़ करते हैं। इन सारा सामान यूज़ नहीं करती। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम लोग। तो अब तैयारी अब डिनर की करने लगे हैं क्योंकि 3 टाइम बाहर का नहीं खा सकते। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर करो तो सबसे ज़्यादा आएगी। और एंड गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप वीडियो देखते हो ना प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं और व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। प्लीज़ शेयर करो ना। सो सी यू, आपको और अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। या सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।